माय चैनल सिंपल कुकिंग रेसिपीज। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि माइक्रोवेव को क्लीन कैसे करना है, तो ये एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं हमेशा से यूज कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने डेमो में बताया था कि लास्ट 15 अगस्त को हमने ये लिया था ओवन, एंड शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ तो अभी तक काफी इफेक्टिव है। मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग करती हूँ, बहुत ही परफेक्टली ये चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमें क्लीनिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने एक माइक्रोवेव से बॉल लिया है, एक नींबू लिया है मैंने, इसको दो टुकड़े में कट कर लिया है, और एक ग्लास पानी लिया है, छोटा ग्लास का पानी। तो हमें करना क्या है, अभी ये हम इसमें पानी डाल देंगे, पूरा फुल नहीं करना है, अभी इतना ही फुल करना है, आप देखेंगे। तो ये मैंने इतना ही किया हुआ है, इतना तक लेना है हमें। ओके, करना क्या है, ये ऊपर तक इतना खाली है, अभी क्या करना है, ये जो लेमन है ये पूरा हम इसमें, इसका जूस जो है पूरा इसमें निकाल देंगे। एक पूरा अखा लेमन हमें इसमें लेना है, और ये जो लेमन का पीस है ये इसमें ही हम डाल देंगे। तो ये दोनों ही मैंने इसमें से निकाल लिया है और इसको हम डाल देंगे। तो बहुत से पानी और लेमन हमें चाहिए। अभी हम चेक करते हैं कि हमें करना क्या है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो मेरा ओवन है, अभी मैं आपको एक क्लोजअप लुक दिखा रही हूँ कि ये कितना गंदा हो चुका है। ये देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल, मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, जितने भी खाना वगैरह गर्म किया, और मैंने रिसेंट में इसमें पिज्जा वगैरह बेक किया है, काफी चीजें की है, तो कितना इफेक्टिव क्लीनिंग होगा ये मैं आपको लाइव डेमो दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इवन इसका जो डोर है, ये डोर पे भी काफी मतलब गंदगी जम गई है। सो ये साइड भी आप देख सकते हो, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि किस तरह से गंदा हो गया है। तो हमें इसको क्लीन करना है, तो करना क्या है हमें वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो हमें क्या करना है, ये जो बोल लिया है हमने, ये बोल को हम अंदर सेंटर में रख देंगे और इसको बंद कर देंगे। अभी मेरे ओवन में, जो मेरा माइक्रोवेव ओवन है, इसमें ऑलरेडी एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टीम क्लीनिंग का, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा जो मॉडल है इसमें यहाँ पे स्टीम क्लीनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर आपके इसमें नहीं है तो आपको सिंपली 5 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव करना रहेगा। तो मेरे इसमें ये ऑप्शन है, तो मैं डायरेक्टली इसको स्टीम क्लीन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो, मैंने एक बार इसको स्टीम क्लीन किया तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अभी करना क्या है, स्टार्ट करना है हमें। स्टार्ट किया तो यहाँ पे 10 मिनट ये शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वेपर कितने अच्छे से क्रिएट हो गए, स्टीम जनरेट हो रही है अंदर से। तो ये स्टीम से ही, और जो लेमन की पावर है उससे ही हमारा माइक्रोवेव क्लीन होगा। तो हम अभी चेक करते हैं इसको थोड़ी देर बाद, और अभी और भी आप टाइम देख सकते हो कि 7 मिनट बाकी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा स्टीम अंदर जनरेट हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो माइक्रोवेव का डोर है उसके ऊपर आपको पानी के ड्रॉप्स भी दिख रहे होंगे, और अभी भी 5 मिनट बाकी है। यूजुअली अगर बहुत ज्यादा माइक्रोवेव गंदा ना हो तो इतने देर तक स्टीम करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा मैंने पर्सनली चेक किया है। 5 to 6 मिनट इज मोर देन इनफ, बट अभी ये काफी ज्यादा गंदा हुआ था तो मैं और 1-2 मिनट इसको रख रही हूँ, एंड अगर मुझे ऐसा सुफिशियंट लगा तो मैं 10 मिनट कम्प्लीट होने के पहले इसे बंद कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, 4:37 अभी बाकी है। सो डोर आप देखेंगे तो ये पूरा वाटर से क्लीन हुआ ऐसा दिख रहा है, स्टीम भी अभी थोड़ी थोड़ी निकल रही है। सो हम और 4 मिनट वेट करेंगे, एंड देन उसके बाद जब ये बंद होगा तो हमें मेन क्या करना है, 5 मिनट का इसको स्टैंडिंग टाइम देना है, 5 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि प्लग जो माइक्रोवेव का है उसका बटन बंद होना चाहिए, और प्लग हमें वहां से निकाल के क्लीन करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमें 4 मिनट और वेट करना है, 2 मिनट 16 सेकेंड और बाकी है फ्रेंड्स। सो हम इसको अभी भी चलने देंगे, सो ये प्रॉपरली डीप क्लीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 सेकेंड रह गया है, एंड अभी प्रॉपर 10 मिनट मैंने इसे दिया है। इसको ऐसे ही हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज हम अभी स्विच बंद कर देंगे। स्विच बंद करके हम जो प्लग है वो हम
साइड कर देंगे, उसके बाद ही हम क्लीन करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप माइक्रोवेव क्लीन करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे 5 मिनट के स्टैंडिंग टाइम इसको ऐसे रखने के बाद। सो फ्रेंड्स, इसको मैंने ऑलमोस्ट 5-6 मिनट हो गया है, अभी आप देख रहे हो कि मैंने स्विचेस का निकाल के रख दिया है। सो हम अभी इसको ओपन करेंगे। कुछ जरूरी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि इसकी क्लीनिंग के बाद एटलीस्ट 1/2 आवर हमें इसे यूज नहीं करना है। ये गर्म है तो थोड़ा संभाल के हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा बाउल, थोड़ा पास में आके मैं दिखाती हूँ आपको। सारी चीजें गर्म रहेंगी तो इसको भी हम कपड़े से ही निकाल लेंगे। इसको आप नॉर्मल बेसिन में अच्छे से, जो भी आप जेल यूज करते हो या जो भी आप बार यूज करते हो, उससे आप क्लीन कर लीजिए। इसको भी हम उसी तरह से क्लीन करेंगे। मेन अभी माइक्रोवेव है तो जो लेमन का वाटर है जो हमने ओवन में रखा था उसमें ही हम थोड़ा सा पानी डिप करेंगे। जो कपड़ा हम यूज करने वाले हैं, एक साफ कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, एंड देन इसको हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। इसमें और कुछ भी जेल्स या स्क्रबर से हमें घिसने की जरूरत नहीं है, ये इससे ही सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी। तो अब क्या करना है, इसको हमें अच्छे से इससे रब करना है। सो हम अच्छे से रब करते करते क्लीन करेंगे। प्लग, आप मेक श्योर कि आप प्लग निकाल दें। अगर बहुत जिद्दी दाग हैं, मतलब इस पे बहुत टाइम से अगर जमा हुआ है, तो आप स्क्रब यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रेगुलर इंटरवल में यूज कर रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं सारी गंदगी जो है, आप कपड़े पे क्लियर देख सकते हैं कि ये आ रही है। ठीक है, तो ये साफ कपड़ा लिया था मैंने, तो एक अभी मैं ये साइड से प्रेस को रब कर रही हूँ इसी कपड़े से। अवन डेली हम यूज करते हैं, स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो टाइम टू टाइम इसको क्लीन करेंगे तो ये इतना डस्ट, मतलब इतना ये गंदगी नहीं होती है। ये मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मंथ से यूज, मतलब क्लीन नहीं किया है। मैं आपको ये प्रॉपर दिखाना चाहती थी कि किस तरह से ये इफेक्टिव है। तो ये अब आप देखेंगे कितना इफेक्टिव लेमन है। और अगर लेमन आप नहीं यूज करना चाहते तो आप इसके जगह विनेगर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमें अभी अच्छे से इसी कपड़े से क्लीन करना है। फ्रेंड्स, ये जो एंड्स में आप देख रहे हैं ना, ये कुछ कुछ दाग जो ऐसे है ना, ये जो नहीं निकल रही, ये मे बी ग्रेवी वगैरह का ओपन प्लेट में मैंने गर्म किया था तो ये उसका है। तो इसको मैं ये लाइट जो एकदम हल्का स्क्रब है बिना किसी सोप के, कोई सोप वगैरह मैं यूज नहीं कर रही, तो इसी से मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगी। तो ये थोड़ा सा हमें घिसना पड़ेगा अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको बहुत घिसना पड़ा, बिकॉज मैंने जैसे कि बताया कि मैंने एक डेढ़ महीने से इसको क्लीन नहीं किया था। तो मैं तो ऐसे बोलूंगी एवरी वीक अगर आप क्लीन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा अंदर देखते हैं, ये कुछ कुछ जो है ये काफी ज्यादा स्टिफ हो गया है, तो मुझे वापस से 1 वीक के बाद वापस से क्लीन करूंगी तो ये निकलेगा। मैं मेनली इसमें कोई भी सोप बेस या कुछ भी ऐसा यूज नहीं करती, सिर्फ लेमन से ही जितना हो सकता है उतना क्लीन करती हूँ। ये साइड से तो पूरा क्लीन है, एंड ये साइड से भी, और ये जो है ये ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर से इतना ज्यादा माइक्रोवेव यूज की हूँ कि वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, अदरवाइज बाकी सब तो ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी जो स्टीम है, अभी हम इसको भी पूरी तरह से क्लीन करेंगे। सो अभी ये मैंने जो भी स्क्रबर से जितना मुझे करना था मैंने कर लिया, स्क्रबर भी पूरा, ये साइड आप देख रहे हो पूरा डस्ट इस पे आ गई है। एंड जो हमारा वाटर है इससे, इसी को मैंने यूज करके किया है, तो आप देख सकते हो ये काला हो गया है, काला नहीं मतलब थोड़ा सा गंदा हो गया है। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी हम ये कपड़े को साफ पानी से क्लीन करके फिर इसको एक बार अच्छे से वाइप करेंगे। तो ये मैंने कपड़ा जो था उसको अच्छे से वॉश कर लिया साफ पानी से, अब हम अच्छे से इसको वाइप करेंगे सारी चीजें, पूरा डोर भी। और एक मैडम ने कमेंट किया था कि जो डोर है उसके जाली में मतलब कुछ झाले पड़ गए हैं, बट मुझे मैम एक चीज समझ में नहीं आया, बिकॉज मेरा जो ओवन है वो अंदर जो जाली है उसके ऊपर भी कांच का एक डोर है, तो मेरा तो ऐसा नहीं है। आप अगर पॉसिबल है तो आप मुझे फोटो भेजिएगा तो हम उसका कुछ देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, बिकॉज यहाँ पे तो मेरा पूरी तरह से पैक है। अगर आप देखोगे ये तो ये अंदर जाली है और उसके ऊपर से भी एक कवर है, तो अंदर से कुछ मतलब ऐसे डस्ट जाने का या कुछ जाने का कुछ मतलब है नहीं।
तो ये डोर तो क्लीन हो गया, अभी हम अंदर का भी इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, वाइप करेंगे बिना किसी सोप, बिना किसी बार, बिना कोई भी ऐसा यूज किए, सिर्फ लेमन से और विनेगर से भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। वीकली आप एक शेड्यूल कर लीजिए कि आपको ये दिन में नाइट में आप यूज करके, इसको क्लीन करके ऐसे ही प्लग निकाल के छोड़ दीजिए, एंड देन मॉर्निंग में आपका ये अवन फिर से तैयार है पूरा वीक चलने के लिए अच्छी तरह से। सो अगर आप शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे तो आप ये टाइम टू टाइम इसको क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, और जो इसका रिंग है और जो प्लेट है उसको हम नॉर्मली अच्छे से घिस के उसको भी लगा देंगे। तो इसको ऐसे ही मैं हाफ एन आवर के लिए एयर ड्रायर होने के लिए रखूंगी नॉर्मली, विदाउट इसका यूज किए, विदाउट कोई स्विच इसका लगाए, इसको ऐसे ही अपने आप सूखने के लिए छोड़ना है। आप चाहिए तो फैन वगैरह ऑन करके रख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मली छोड़ दीजिए, वो क्लीन रहेगा, ठीक है, ये पूरा सूख जाएगा अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स अभी मैंने ये रिंग भी क्लीन कर लिया है, तो रिंग हम लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से इसको हम धो लिए हैं और ये सेट हो गया है। तो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस ये फिनिश हो गया है। आप एक शेड्यूल बना के इसको एवरी वीक क्लीन कीजिए और ये क्लीन ही अच्छे से रहेगा। कुछ चीजें जो जरूरी है वो मैं रिपीट कर देती हूँ, आप स्टीम कीजिए अगर आपके इसमें स्टीम क्लीनिंग का फंक्शन है तो उससे कीजिए, अदरवाइज माइक्रोवेव कर दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए इनफ है। एंड हमेशा स्टीम जब हो जाए उसके बाद उसको स्टैंडिंग टाइम दीजिए, प्लग निकाल दीजिए, एंड जो क्लीनिंग प्रोसेस है मेक श्योर कि आप उसका प्लग निकाल के ही करें, सेफ्टी फर्स्ट। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आपके सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए जो हम हमारे चैनल पे पोस्ट करें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार दिया हमारे चैनल को, और आगे भी आपका प्यार ऐसे बनाए रखिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।